मध्य प्रदेश रीवा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 जनवरी को विगत दिनों किसान की धान खरीदी को लेकर 30 जनवरी को भाजपा ने रीवा बंद का आह्वान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे जी ने उनकी मांगों को मान लिया, इसलिए आज रीवा बंद आह्वान का कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह आंदोलन रहा, किस विषय पर था? भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार है, इसने अन्नदाताओं के साथ जो अन्याय करना शुरू किया था, धान खरीदी को लेकर धान खरीदी के केंद्रों को बंद कर दिया गया था, बारदानों की अव्यवस्थाएँ हो रही थी, उनका भुगतान नहीं हो रहा था, पोर्टल नहीं खुल रहे थे, इन सब के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार को, यहाँ कलेक्टर के माध्यम से हमने कहा था, हमारे सारे विधायक सांसद कलेक्टर से मिले थे और कहा गया था कि अगर 30 तारीख तक धान खरीदी का कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी धरना घेराव और चक्का जाम करेगी। आज जैसे हम लोगों ने धरने का कार्यक्रम शुरू किया, तभी सूचना आ गई कि धान खरीदी का केंद्र पुनः शुरू किया जाता है और धान खरीदी होगी, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने धरने को, चक्का जाम को अभी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं, अगर किसी भी प्रकार की चालबाजी कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठेगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की हम ईंट बजा देंगे और हम अन्नदाताओं के साथ सदैव भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी।